अब मैं फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ ब्लॉक्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है और ये भी एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक 10 kg का ब्लॉक है, ये ब्लॉक 5 kg का ब्लॉक है। 10 kg, 5 kg, ये साथ साथ बनाते रहो प्लीज़। अब एग्जाम्पल स्टार्ट है, हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो एक 10 kg का ब्लॉक है और एक 5 kg का ब्लॉक है, ठीक। और ये जो सरफेस है नीचे की, ये एक स्मूथ सरफेस है और यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, या फ्रिक्शन प्रेजेंट है। और मैंने इसके ऊपर जो फोर्स लगाई, इसके ऊपर जो फोर्स लगाई वो मान लो 2 न्यूटन की फोर्स लगाई। मैंने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है यहाँ तक? तुम मुझे बस ये बताओ, इस 2 न्यूटन की वैल्यू को देखते हुए, क्या ये ब्लॉक्स इकट्ठे मूव करेंगे या ये इकट्ठे मूव नहीं करेंगे? एक तेज मूव करेगा, एक स्लो मूव करेगा। कितने लोग बोलते हैं इकट्ठे मूव करेंगे और कितने बोलते हैं इकट्ठे मूव नहीं करेंगे? और जो भी तुमने आंसर दिया, बस मुझे ये बताओ कि तुम कैसे डिसाइड कर लेते हो कि 2 न्यूटन की फोर्स से बिना फ्रिक्शन की वैल्यू जाने तुमने कैसे फैसला किया ये इकट्ठे मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे भी बताओ, फोटो देख के कैसे पहचानते हो? और इतनी पहचान थी तो फिर 2 लेक्चर खराब क्यों किए? उसमें भी बोल देते, जब मैं पूछा करता था कि ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक को मैंने फोर्स लगाई 1 न्यूटन, तो बताओ इसमें फ्रिक्शन क्या होगी? फिर क्यों मांगा स्टैटिक और क्यों मांगी काइनेटिक? फिर क्यों बात करते थे कि इसको हिलाने के लिए इतनी फोर्स चाहिए? वो तो यहाँ तो बात ही नहीं की तुमने। तुम तो फोटो में देख देख के बोल रहे हो 2 न्यूटन मूव करेगी नहीं। ऐसे कैसे मूव करेगी? बिल्कुल भी कह नहीं सकते कि इसे मूव करेगी कि नहीं करेगी, अनलेस आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता हो। कुछ पता होगा तब तो आंसर देंगे, नहीं तो कैसे आंसर देंगे? पॉइंट है, तो आप बोल नहीं सकते 2 न्यूटन देख के। सही बोल रहा हूँ ना? नहीं बोलता। अब दूसरा क्वेश्चन बताओ। चलो मान लिया कि आपको नहीं पता लगा मूव कर ये सेपरेट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। हो सकता है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कमजोर हो और 2 न्यूटन बहुत बड़ा हो इसके लिए, फिर तो ये 5 kg के ऑब्जेक्ट में उड़ाती हुई ले जाएगी। और अगर फ्रिक्शन बहुत स्ट्रांग हुई और 2 न्यूटन बहुत कमजोर हुआ, फिर इकट्ठे ही मूव करेंगे। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चलो 1 मिनट के लिए 2 न्यूटन की फोर्स बहुत है और फ्रिक्शन यहां पर बहुत कम है, चलो मैं बता रहा हूं अब ये बात, फ्रिक्शन की वैल्यू चलो मैं बता देता हूँ 0.5 न्यूटन या कुछ भी नहीं है, 0.5 न्यूटन है और 2 न्यूटन की फोर्स तो बहुत बड़ी है। अब बताओ ये इकट्ठे मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने बोला कि अगर, अगर बोल रहा हूँ, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नहीं बता रहा। अगर इनमें फ्रिक्शन कमजोर है, बहुत कम है, 0.5 न्यूटन ही है, और तुमने तो फोर्स 2 न्यूटन लगा दी, तो क्या ये इकट्ठे मूव कर पाएंगे, हाँ या ना? नहीं। कैसे मूव करेंगे? 5 kg तेज मूव करेगा और 10 kg कुछ देर के लिए मूव करेगा, फिर उसके बाद 5 kg उसके ऊपर से निकल ही जाएगा, आउट हो जाएगा, गिर जाएगा, ऐसे ही होगा। तो ये इकट्ठे मूव नहीं करेंगे, और अगर इकट्ठे मूव नहीं करेंगे, देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन। ऊपर का ऑब्जेक्ट नीचे के ऑब्जेक्ट पे घिसटता हुआ जा रहा है, इसको बोलते हैं स्लाइड करता हुआ जा रहा है। अब अगर इकट्ठे मूव करते तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन, ऐसा लगता है कि ऊपर का ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा हुआ है नीचे के ऑब्जेक्ट के साथ, अगर इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो। लेकिन अगर इकट्ठे मूव नहीं कर रहे तो कुछ तो स्लाइडिंग मोशन है इनमें। तो एक तो बॉडी ऊपर की बॉडी घिसटती हुई जाएगी नीचे की बॉडी से, तो इसका मतलब इनके बीच में कौन सी फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है? काइनेटिक। क्योंकि जब कोई बॉडी स्लाइड करती है तो कौन सी फ्रिक्शन है? काइनेटिक। क्या स्टेप समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो मैं लिख रहा हूं यहां पर कि इस केस में कि इफ 2 ब्लॉक्स मूव विथ डिफरेंट एक्सलरेशंस
डिफरेंट एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि एक तेज करेगा और एक स्लो करेगा, तो इसका मतलब देयर इज सम रिलेटिव मोशन, तो कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसमें कौन सी फ्रिक्शन आ जाएगी? काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब इसके अंदर मूव डिफरेंट एक्सेलरेशन का मतलब बॉडीज एक दूसरे पे क्या कर रही हैं? स्लाइड कर रही हैं, और कौन सी फ्रिक्शन आएगी? काइनेटिक आएगी। क्या ये स्टेप समझ में आ रहे हैं? अगर कोई डिफरेंट एक्सेलरेशन है इनकी सेम नहीं है, अगर इकट्ठे ही मूव करती तो एक्सेलरेशन भी सेम होती, पर इकट्ठे ही मूव नहीं कर रही तो एक्सेलरेशन सेम बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सी फ्रिक्शन है? काइनेटिक। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा अपने क्वेश्चन में, तो 5 kg ऑब्जेक्ट आगे जा रहे हैं, यहाँ पर जो डायग्राम है उनके अंदर यहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा F के पैर में K। इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ अ काइनेटिक फ्रिक्शन, लिख लो। तो अगर ये दो बॉडीज आपस में स्लाइड करती हैं, अगर केस नंबर 1 बना लेना चाहिए इसे, ये भी केस नंबर 1 है। अगर ये दो बॉडीज आपस में स्लाइड कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, तो रिलेटिव मोशन है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा रोल प्ले करेगी इसमें? काइनेटिक रोल प्ले करेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो फ्रिक्शन इसमें काइनेटिक है, क्योंकि दो बॉडीज आपस में क्या कर रही हैं? स्लाइड कर रही हैं। सही है? यहां तक क्लियर है? और ऐसे ही केस नंबर 2 बना लेते हैं। केस नंबर 2 के अंदर डायग्राम तो वही रख रहा हूं, तुम चाहो तो नया डायग्राम बना लो और इसमें लिख लेना इफ टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर, इसमें लिख लेना मूव टुगेदर, अगर ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे मूव करते हैं तो साथ में फिर ये भी लिख लेना फ्रिक्शन का नेचर क्या होगा इसमें? क्या होगा? स्टैटिक। क्यों? जब ये इकट्ठी मूव करेंगी तो आपस में स्लाइड नहीं करेंगी, इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ नो स्लाइडिंग, स्लाइडिंग नहीं होगी, तो फिर कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी? काइनेटिक। तो जब तुम यहां डायग्राम बनाओगे, यहां एफ के ना पुट करना दूसरे केस में, एफ और एफ ही रखना, एफ का मतलब स्टैटिक। ये डिपेंड करती है अंदर कितनी फोर्स अप्लाइड है, क्योंकि इसका कोई निकालने का फॉर्मूला कोई नहीं है स्टैटिक का। मैंने मैक्सिमम स्टैटिक नहीं बोला, लिमिटिंग नहीं बोला, मैंने बोला ये वो स्टैटिक है जो फोर्स अप्लाइड पे डिपेंड करती है। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अगर स्लाइडिंग होगी तो काइनेटिक, नहीं होगी स्टैटिक, और काइनेटिक है एफ के लगाना, और अगर स्लाइडिंग नहीं होगी दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो एफ और एफ लगाना, वेयर एफ इज स्टैटिक फ्रिक्शन, लिख रहा हूं हेयर एफ इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इट डिपेंड्स ऑन फोर्स अप्लाइड। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है,